नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिजिटेक इन्फो में। दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे कि टाटा स्काई की जो यो टाटा प्ले है, टाटा प्ले की जो इंस्टॉलेशन होती है, तो पूरी इंस्टॉलेशन के बारे में हम जानेंगे, देखेंगे किस तरह से इसकी इंस्टॉलेशन की जाती है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे, इसमें देखिए ये सामान आता है इसका डिस्क का, और इसमें जो भी ये फिटिंग का सामान आता है इसको किस प्रकार से जोड़ना है। देखिए सबसे पहले तो हम ये दो चीज़ ले लेते हैं और इसमें नट बोल्ट लगाकर जोड़ते हैं। अब ये ध्यान रखना है कि जो नट बोल्ट के साइज हैं, तीन प्रकार के साइज के इसमें नट बोल्ट रहते हैं। एक सबसे लंबा होता है और एक मीडियम और एक सबसे छोटा, मतलब तीन साइज के नट इसमें रहते हैं। तो जब आप फिट करोगे तो फिटिंग के अनुसार वो नट लगाने चाहिए। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से इसको पहले हम जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद इसको हम टाइट कर लेते हैं। तो ये ध्यान रखना होता है दोस्तों इसमें कि नट कोई गलत ना लगे। अगर गलत आपका नट लग जाएगा तो फिर दिक्कत आएगी, या तो कोई नट कम पड़ जाएगा या फिर उसकी सेटिंग भी सही नहीं आएगी, वो सही से टाइट नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से इसको हम जोड़ेंगे। इसके बाद ये वाला इसका हिस्सा लगा लेते हैं। ये आपने देखा होगा, ये वो हिस्सा है जो कि जो जब डिस्को लगाते हैं उसमें पाइप में फिट होता है। तो यहाँ पर ये दो इस तरह के नट जो है लगाने हैं। ये नट इसके अलग रहते हैं, इनमें ये पेचकस का भी होता है और ये गोटी के द्वारा भी टाइट किए जा सकते हैं। इस तरह के ये दो नट होते हैं, सबसे अलग होते हैं दोनों, यही यहाँ इस जगह पर लगाने हैं। ये ध्यान रखना है यहाँ पर दूसरे नट नहीं लगाने, यही वाले लगाने। इसके बाद ये छोटे वाले जो नट है यहाँ पर, ये अंदर से इस तरह से लगाने हैं। इससे क्या होता है कि ये जो है एडजस्ट करने में डिस्को मदद करते हैं, और जहाँ पर भी सीन लाते हैं वहीं पर इसको टाइट कर देते हैं। एक वाशर इसके साथ में रहता है, इसमें लगाने के बाद ये वाशर भी हम इसमें लगा देते हैं। तो देखते रहिए दोस्तों, इस तरह से आप अगर डिस्क खुद भी लगाना चाहें, आप बाज़ार से सामान लेके आ गए और ख़ुद भी लगाना चाहते हैं, तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। अगर आपने पूरी वीडियो अच्छे से देख ली है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आपके पास इक्विपमेंट है तो आप लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से इसको फिट कर लेना है और ये सारे जो नट हैं इसके लगा देने हैं। यहाँ पर भी ये तीन नट लगते हैं दोस्तों, ये तीनों नट यहाँ पर लगा देने हैं, और ये अभी टाइट नहीं करने हैं ज़्यादा, क्योंकि अभी हमको ये उसमें पाइप में फंसाना है, तो इसलिए इनको ज़्यादा टाइट नहीं करते हैं, यहाँ पर सिर्फ इनको लगा लेते हैं, क्योंकि बाद में लगाने में भी कई बार दिक्कत हो जाती है, इसलिए पहले ही हम इसको लगा लेते हैं। तो इसके बाद ये वाली चीज़ हमारी फिट हो गई। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये LNB का क्लिप होता है जिसमें LNB लगती है, तो ये LNB क्लिप को भी हम यहाँ पर लगाते हैं। इसके साथ भी नट बोल्ट अलग से आता है, तो ये यहाँ पर लगा देते हैं और इसको टाइट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसको टाइट कर देते हैं और ये सारे नट बोल्ट अच्छे से हमें टाइट कर देते हैं गोटी के द्वारा। 10 नंबर की दोस्तों इसमें गोटी यूज की जाती है, तो 10 नंबर की गोटी लेने के बाद आप इसको अच्छी तरह से टाइट कर दें। फिर इसके बाद देखिए, ये हमारा हम बाद में इसको लगाएंगे, ये हमारा जो इसका तवा जो आता है डिस्क का, ये इस तरह से यहाँ पर फिट करना है, और 4 नट हमारे पास अभी बचे हैं, चारों के चारों यहाँ पर लग जाएंगे। जो इस तवे के साथ में लगते हैं नट, वो छोटे साइज के होते हैं दोस्तों। ये 4 नट आपको अलग दिखाई देंगे, ये जो है यहाँ पर लगा देने हैं और इसको टाइट कर देना है। ठीक है, तो ये अच्छे से टाइट करने के बाद आगे की हम प्रक्रिया करेंगे, फिर हमारी यानी कि डिस्क बंद कर तैयार हो जाएगी। दोस्तों अगर आप डिस्क लगाते हैं तो आप बहुत जल्दी से बांध लेते हैं, लेकिन अगर आप बाज़ार से लेकर आए हैं, आपको डिस्क के बारे में नहीं पता है, तो आप बहुत इसमें टाइम लगा दोगे बांधने में, और नट भी आप सही नहीं लगा पाओगे। कोई नट कहीं लगा दोगे, कोई कहीं पर लगा दोगे। तो मुझे लगा कि मुझे वीडियो इस पर बनानी चाहिए, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप इसको देख कर समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए ये हमने नट को टाइट कर दिया है और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस चैनल पर आपको डिस्क से संबंधित जानकारी मैं देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें कि मैं आपको पूरी इंस्टॉलेशन के बारे में बताऊँगा कि किस प्रकार से इसको फिट किया जाता है और किस प्रकार से डिस्क को दीवार में लगाया जाता है और कैसे इसके सिग्नल सेट करते हैं। सिग्नल सेट करने के बाद जब सिग्नल आ जाते हैं, टीवी चल जाता है, वहाँ पूरी वीडियो पूरी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों, ये इसका स्टैंड है, ये स्टैंड जो है हमें दीवार में फिट करना है। यहाँ पर इस तरह से इसको हमें बांध लेना है। इसमें एक क्लिप नीचे होता है और दो ये पत्तियाँ होती है साइड की।
तो यहाँ पर जैसे हमें दीवार में लगानी है उसी हिसाब से हमने ये बांध लिया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, पहले यहाँ पर एक मार्किंग कर लेंगे। तो मेरे पास टेस्टर है, मैं टेस्टर से ही ज़्यादातर मार्किंग करता हूँ, और वैसे आप पेन से भी कर सकते हैं लेकिन टेस्टर सुविधाजनक है। तो यहाँ पर हम इसी तरह से निशान कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसके साथ में किट आती है, इसमें नट बोल्ट रहते हैं, टाई बेल्ट होती है, और यहाँ पर इन्हीं का ही हमें यूज करके लगाना है। तो जो इसके साथ में देखो दोस्तों गिट्टी आती है, ये लगाते हैं, और ये 6-8 नंबर की जो बिट होती है ड्रिल बिट, तो उसके द्वारा हम 8 नंबर का पहले ड्रिल करते हैं, और ये बिट मतलब ड्रिल उतना ही करना है दोस्तों जितनी हमारे पास में वो गिट्टी है प्लास्टिक वाली। अगर हम बड़ा ड्रिल कर देंगे तो वो फ्री भी हो सकती है, तो उसी के अनुसार ये करना है। इसमें 8 नंबर की बिट लगती है, इसका यूज किया जाता है और वो फिट आ जाती है, इसमें परेशानी नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम यहाँ पर दीवार में छेद कर लेते हैं, 4-6 इसमें होते हैं, और इसके बाद में हम यहाँ पर ये जो है जिसकी गिट्टी जो प्लास्टिक की आती है वो हम यहाँ पर लगा देते हैं। दोस्तों कुछ डिश में फास्टनर भी आते हैं लेकिन ज़्यादातर में अब प्लास्टिक वाली गिट्टी आती है, तो ये इस तरह से लगा देने हैं। ठीक है, अब ये हमारे लग गए। इसके बाद हमारे पास 4 जो इसके बोल्ट हैं वो हम यहाँ से इस प्रकार से लगा देंगे। और मैंने दोस्तों ड्रिल में एक जुगाड़ बना हुआ है जिससे कि मैं इसी के द्वारा इसके नट को टाइट कर देता हूँ। मैंने गोटी लेकर उसका जो है ड्रिल बिट जो टूटी हुई थी उसमें आगे से जोड़कर वो बना हुआ है, उससे आसानी से टाइट हो जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये वही चीज़ है, और इसी के द्वारा मैं आसानी से टाइट करता हूँ। इससे जो है नट टाइट करने में बड़ा एक तो आसान होता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, और दूसरा जो नट टाइट होता है उसमें लूजिंग नहीं आती है क्योंकि वो एक बार में ही टाइट हो जाता है। अगर आप हाथ से करोगे तो उसमें थोड़ा सा झटके लगते हैं और वो लूज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस तरह से ये हमारी जो का जो स्टैंड है वो दीवार पर फिट हो चुका है। देखिए बहुत ही मजबूती है, लग चुका है, इसमें कोई दिक्कत अब आने वाली नहीं है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है दोस्तों, ये जो इसका एंगल है ये सीधा रखना है, 90 डिग्री पर ये रखने की हमें कोशिश करनी है। अगर 90 डिग्री पर नहीं भी होगा, हो तो जाएगा, चल तो जाएंगे तब भी, लेकिन थोड़ा सा सेटिंग में दिक्कत आ जाती है, तो इसलिए कोशिश करें इसको 90 डिग्री पर ही रखें। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने डिश को इस पर लगा दिया है और ये हमारी डिश एकदम बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर LNB लगानी रह गई है, हम इसको हम LNB भी यहाँ पर फिट कर लेते हैं। तो LNB फिट करने के लिए 2 पेच लगे हैं, ये पेच हम लूज कर लेते हैं और इनमें से एक निकाल लेते हैं, इसके बाद हम इसमें LNB को फंसा देंगे। तो दोस्तों ये टाटा प्ले की LNB है, टाटा स्काई जो था पहले, तो ये ओरिजिनल है उसकी, और इसको ही हम यहाँ पर लगाएंगे। पूरा सेट हमारे यहाँ पर टाटा प्ले का लगने वाला है, और किस तरह से ये लगाना है ये आप देख रहे हैं इस वीडियो में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट जरूर करें, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया वो चीज़ आप कमेंट में ज़रूर कर सकते हैं, या मैं आपको सही से नहीं बता पाया तो ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए ये जो है इसका एंगल किस कैसे रखना है। यहाँ पर हम बिल्कुल इसको नीचे को रखते हैं दोस्तों, अगर हम टाटा स्काई को लगा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ये मेरे पास में एक डिजिटल सेटेलाइट फाइंडर है, इसके द्वारा ही मैं सिग्नल सेट करता हूँ, और बड़ी आसान तरीके से सभी डिशेज से सेट हो जाती हैं जो भी डिश को हमको सेट करनी है। जैसे भी टाटा प्ले को उनको सेट करना है तो टाटा प्ले किस फ्रीक्वेंसीज में सेट है वही फ्रीक्वेंसी पर हम जाएंगे और इसको सेट करने की कोशिश करेंगे। इससे सिग्नल मिलाना बहुत आसान होता है दोस्तों। तो अब जब यहाँ पर सिग्नल मैच हो जाते हैं उसके बाद हम सीधा नीचे बॉक्स लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, हमें दोबारा छत पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही बार बार पूछना पड़ता है कि चल गया टीवी चल गया, ऐसा पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे हम इस तार से इसको कनेक्ट कर लेते हैं LNB से, तो यहाँ पर हम LNB भी चेक कर सकते हैं। अगर LNB सही है तो इस तरह की लाइनें आपको दिखाई देंगी मीटर में, तो LNB हमारी कनेक्ट हो गई है और LNB सही है, तो ये चीज़ हम देख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर इसमें जो टाटा स्काई की हमें फ्रीक्वेंसी हमारे पास है यहाँ पर सेव, तो इस पे जाएंगे और इसके यहाँ पर मीटर रखने के बाद सिग्नल मिलाने की कोशिश करेंगे। तो सिग्नल बहुत जल्दी आ जाता है, अगर आपको डायरेक्शन का पता है किस दिशा से सिग्नल आता है तो आप बहुत जल्दी से मिला सकते हैं, और अगर आप काम करते रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नए हैं तो फिर आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि मैं भी जब पहली बार डिश लगाता था, लगाई मैंने पहली बार, तो मुझे भी बहुत टाइम लग गया था। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर इस तरह से इसकी जो डायरेक्शन होती है टाटा स्काई की वो थोड़ी अलग है,
ठीक है, तो आपको मैं दिखाऊंगा अभी यहाँ पर एक डिश और लगी हुई है, उसकी भी डायरेक्शन दिखाऊंगा और इसकी भी दिखाऊंगा, देखिए कितना फ़र्क है। ये थोड़ा सीधे है एकदम और वो थोड़ा तिरछी है, तो इस तरह से, क्योंकि ये इधर वाली जो लगी आप देख रहे हैं ये फ्री डिश पर है और वो है टाटा स्काई के, हम एक सेट कर रहे हैं जिसको हमें टाटा स्काई का बॉक्स उस पर लगाना है, तो ये डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें इस प्रकार से सिग्नल आ जाएंगे और ये सिग्नल इसमें आ चुके हैं। यहाँ पर सिग्नल की जो परसेंटेज है हमें मीटर के अनुसार कोशिश करनी है कि 70 के आसपास हो जाए, 72 तक इसमें लास्ट हो जाता है, वो भी कहीं कहीं पर होता है, बाकी आप 65% से पर भी छोड़ देंगे तो चल जाएगा टीवी, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है, लेकिन कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए। अगर कहीं ऊँचाई पर हम लगडिस को लगा रहे हैं तो वहाँ पर वैसे ज़्यादा सिग्नल आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, तो यहाँ पर भी बहुत ऊंचाई है फिर भी यहाँ 70% सिग्नल इसमें आराम से आ गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमें इस तरह से डिश को बिल्कुल से टाइट कर देना है, उसमें लूजिंग नहीं छोड़नी बिल्कुल भी, सारे नट है उसके टाइट करने हैं, ठीक है। तो टाइट करने के बाद हमारी ये प्रक्रिया यहाँ की कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमने पूरा लगा दिया है और सारे नट बोल्ट टाइट कर दें, LNBB का जो एक कनेक्टर है ये मैं खोल लेता हूँ, ये मैंने अपना जो मेरा सर्विस केबल है वो मेरे पास है, मीटर में लगा के सेट करता हूँ, ये मैंने खोल लिया। इसके बाद मैं इसका जो कनेक्टर है वो लगाऊंगा, जो इसके साथ में वायर है दोस्तों, ये टाटा स्काई का ओरिजिनल वायर है जो इसके साथ में कंपनी देती है, तो इसको यहाँ से देखे किस तरह से इसका कनेक्टर लगाना है, तो कटर से हम थोड़ा सा इसको काट लेंगे और इसके बाद इतना ही देखे जो आप देख रहे हैं इसी तरह से काटना है दोस्तों, ठीक है। ज़्यादा लंबा अंदर का हिस्सा इसका नहीं छोड़ना है, और ये कोशिश करनी है जो बीच का जो तार है वो बाहर जो जाली है उसके ऊपर टच नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का बहुत ही अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है। और जो कनेक्टर इसके दिए हुए हैं लो ओरिजिनल कनेक्टर हैं ये टाटा स्काई के, और ये एक बार से फिट हो जाते हैं तो फिर निकलने में दिक्कत होती है, निकलते नहीं है, लॉक हो जाते हैं। देखिए अब ये यहाँ पर फिट हो गया है, निकलेगा नहीं अब दोस्तों, ठीक है। जब इसको हम टाइट करेंगे और जब इसको चढ़ा देंगे LNB के ऊपर या उसके सेटअप बॉक्स के ऊपर, तो ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, एकदम से टाइट हो जाता है। अगर इसको कोशिश करेंगे ज़बरदस्ती निकालने की तो इसमें तार अंदर की तरफ ही फंस जाता है, तो इसको एक बार में अच्छी तरह से लगा दें। ये देखिए हमारा कनेक्टर लग चुका है और यहाँ पर हम इसको अब LNB में फिट कर देंगे। LNB के सिग्नल हमने पहले से ही सेट कर लिए हैं दोस्तों, तो यहाँ पर सिर्फ हमें इस केबल को कनेक्ट करना है। इस कनेक्ट करने के बाद अब यहाँ की हमारी जो प्रक्रिया है वो ख़त्म, ये समझिए ये पूरी हो चुकी है, ठीक है। अब मैं आपको ये डिश दिखाता हूँ दूसरी, इसका जो LNB का एंगल देखिए थोड़ा सा यहाँ पर टेढ़ा है, एकदम सीधा नहीं है, और जो टाटा प्ले का जो अभी आपने लगाया उसका बिल्कुल नीचे की तरफ है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब देखिए हमारा ये TV जो है चल चुका है, हमें सेटअप बॉक्स में लगा दिया है वायर और यहाँ पर हमारा TV चल चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने देखा टाटा प्ले की फुल इंस्टॉलेशन। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।